सबसे पहले जब ये इस फिल्म की सर ने शुरुआत की तो पहला क्वेश्चन था कि आप लिख पाओगे, हमारा सब्जेक्ट ही अलग है। फिर दूसरा बोला भाई तुमसे लिखवाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन पसंद नहीं आएगा तो लूँगा नहीं। कंडीशन सप्लाई पहले ही से मतलब ये था। और मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि जब भी कोई ऐसी बातें होती है तो मैं उसको थोड़ा चैलेंज के रूप में लेता हूँ कि नहीं हम तो कर सकते हैं जी। फिर मैंने जोश में आके 3-4 बजे सुबह उठा और 40-50 लाइनें लिख दी। ऐसा ही कुछ हुआ था है ना। और फिर इनको भेज दिया, फिर यार तुम कन्फ्यूज कर रहे हो, सारी चीज़ें मैच तो कर रही है लेकिन अब इतने सारे हैं जो कि इसमें छांटो कौन सा, सारे अच्छे लग रहे हैं। फिर क्या इसको अब लिरिक्स के रूप में बनाओ, अब 40-50 लाइनें हैं, अब इतनी लाइनें तो गाने में नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग डिस्कस किए, बैठे उस पर, फिर लिखा गया और फाइनली ये रिकॉर्ड हुआ। मतलब आपने उनके कहने पे उन्हीं की तरह गाना लिख दिया, तो जी बिल्कुल। कितनी मेहनत करी इसके पीछे? मेहनत पूरी टीम की होती है। देखिए हम तो शब्द निकालते शायर हैं आप हैं, मतलब जी, आपकी बिल्कुल शायरी है बिल्कुल। तो मेहनत टीम की नहीं है, आप बिल्कुल जी यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से लिखना होता है राइटर का, ये सब चीज़ें। सबसे अच्छा उदाहरण जो देखा है मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आनंद बख्शी साहब का, वो कोई भी गाना सुनेंगे तो उनका बड़ा लगेगा सटीक बैठता है किसी सिचुएशन पे। और ये खूबी होना चाहिए गीतकार में, जो जैसे प्लेबैक सिंगर होता है वैसे ही एक गीतकार को भी सिचुएशन के हिसाब से ढलना चाहिए। और सर ने जो कहा था मैं उस हिसाब से कोशिश किया और सर को अच्छा लगा। और तो काफ़ी मंचे हुए राइटर हो चुके हैं आप, बड़ी बड़ी फिल्मों में गाना गा चुके हैं, तो अब किसी भी तरह की शायरी लिखने में कुछ होता है नहीं, अभी कि आदत सी हो गई है, तब लिखने का अब आदत ये हो गया? खून में आ गया है, अभी ये लिरिक्स इमरान लिखना। सर के बारे में क्या कहें, आप अक्सर इनसे जुड़े हुए हैं और कई फिल्मों में इनके गाने दे चुके हैं। इनका प्यार है, ये डायरेक्टर से ज़्यादा मेरे प्रिय भाई की तरह हैं। जब भी फिल्म का प्लान होता है तो उसमें मैं घुस जाता हूँ आज आपने या उनके गाना दिमाग में गाया घुस है, जाता हूँ। आज अमन जी ने गाना गाया है, तो क्या कहें अमन आप? जी, हम लोग एक गाना कर रहे थे, एक बड़े अच्छे कंपोज़र हैं असलम के जी, बहुत प्यारे इंसान भी हैं। तो वहाँ आए थे, मेरा गाना गा रहे थे, फिर जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी मैं दीवाना हो गया है ना। बहुत सारे गीत का सिंगर्स आज यही वगैरह दीवानी का सबूत दिया कि हाँ, आपने फिर गाना मैंने गाया। सजेशन दिया कि यार ये गाना अमन जी बहुत अच्छा गाएंगे, और वाकई बहुत अच्छा गाया। आपने सुना, सबने सुना, सर सर बताएंगे, क्योंकि सर विजुअल तो सर देख रहे हैं ना कैसा क्या शूट करना है, तो इसके बारे में सर 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 आप बहुत गाने सारा बजा इंटरव्यू। हम दीजिए। चाहेंगे अमन जी भी आए। ठीक, अमन सर आइए, जुड़िए जुड़िए। सर क्या कहेंगे, गाना कैसा लगा आपको? अब मैं आ गया हूँ तो कंपोजर को भी बुला लो, आइए म्यूजिक आप, कंपोजर को, आइए सब लोग एक एक करके न्योता देना पड़ेगा आइए। सबको आज। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। विक्रांत भाई की एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव चूज़ किया है। जो यंग बच्चे, जो हमारे यूथ हैं और जो चिल्ड्रन हैं, जो जो बच्चे हैं देश के युवा, और जो एक below 14 आप कह सकते हो, 5 साल से लेके 14-15, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तेज़ी से कि अगर मैं अपने 5 साल की उम्र की स्टोरी बताऊं तो आजकल के बच्चों को वो हमेशा एक मजाक लगेगी कि यार ऐसा भी होता था, ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम पे मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना आगे लेके जा चुका है बच्चों को, तो उसमें और बहुत सारी कुप्रथाएं भी हैं, जैसे शराब और नशे करना और सब उसकी लत लगना, तो उससे बहुत सो हैं घर बर्बाद होते हैं, घरों का संतुलन बिगड़ता है, लोगों का मानसिक जो है वो एक संतुलन है वो सही नहीं होता है, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें उसमें कर बैठते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, खेल खेल में वो अपनी जान भी गवा देते हैं। जैसे सुपर हीरोज़ को देख के, हमारे टाइम पे जब मैं स्कूल में था तब शक्तिमान का बड़ा क्रेज़ था, शक्तिमान को देख देख के लोग वो ऐसा घूम घूम के उल्टा अपनी छतों से कूद जाते थे कि हम भी उड़ने लग जाएंगे, लेकिन यही जो है जो एक छलावा एंटरटेनमेंट की दुनिया से मिलता है, टीवी से मिलता है, फिल्म से मिलता है, उसी मीडिया से और उसी माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है हमारे समाज के लिए, और हमारे नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, तो यही बहुत अच्छा संदेश दिया है इस फिल्म को, जो बना के इन्होंने एक संदेश जारी करना समझा है, मंटू की पलटन, राइट, ये फिल्म का नाम है। और इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने बताया है कि
जो छोटे बच्चे हैं वो घर के तनाव की वजह से प्रेशर में आते हैं, वो अगर घर का तनाव, घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वो जो है वैसी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं जो उनको ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मेंटल सेटअप ठीक नहीं है, उनको दे आर स्ट्रेस्ड आउट, वो बहुत स्ट्रेस के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल का प्रेशर है, ये है वो है, दुनिया भर की पीयर प्रेशर्स हैं, तो उसके दबाव में आके वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए। और एक बच्चे के लिए घर का वातावरण, घर का माहौल होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बचपन से देखते आते हैं वही आप व्यक्तित्व आपका बन जाता है, आपकी पर्सनालिटी वैसे बन जाती है। तो यही मैं कहूँगा कि जब ये फिल्म आए तो सब लोग जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, इस फिल्म के द्वारा, ताकि लोग जो हैं वो सिर्फ बातें ही ना करें, उसके खिलाफ एक्शंस भी लें, उसके लिए उसकी उसकी तरफ ध्यान भी दें, जो चाइल्ड सुसाइड हो रहे हैं, जो लोग बच्चे इतने प्रेशर में आते हैं जहाँ पे उनको हंसने खेलने की उम्र होती है वहाँ पे वो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो गाना जो है आज क्यों है ऐसा एक गुहार कर रहे हैं सारे बच्चे अपने माता पिताओं से, अपने इस समाज से, इस दुनिया से, कि ये ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों है, माँ बाप के झगड़ों में हम क्यों पिस रहे हैं, हम माँ बाप हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपने कामों से फ्री होके भी घर पे आते हैं तो सोशल मीडिया और मोबाइल्स का इतना चस्का है कि आजकल लोग मेड सर्वेंट्स को टिका देते हैं अपने बच्चे की, जाओ यार देख लो उनको, तो खुद जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं होना बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट बात थी। तो थैंक यू सो मच अमन, आपने आपका वक्त दिया करके। और इस मूवी मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ प्रमोट होने जा रही है जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में अभी तक नहीं हुआ है, वो है कि ब्रेन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। जो हमारे ब्रेन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हुई है आज के डेट में, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग, तो वो उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हमने डॉक्टर की मदद से, BMC के डॉक्टर की मदद से कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग्स डिज़ाइन की है। अगर इस मूवी के ज़रिए ये बच्चों तक पहुंच पाए तो काफ़ी हद तक सुसाइड और बच्चों के डिप्रेशन को रोका जाएगा, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा ये सॉन्ग और अमन की आवाज़। इसके लिए वापस एक बार थैंक्स। और ये शूट होने वाली है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का 30 डेज़ का शेड्यूल है, क्योंकि बीच में बच्चों की एग्ज़ाम्स वगैरह है, और उसके बाद में हम इसको सारे इंटरनेशनल और नेशनल फेस्टिवल्स टारगेट करेंगे, उसके बाद में हम इसको सिनेमा घर में लाएंगे। लोकेशन का क्या चुनाव है, कहाँ लोकेशन सारी शूट ये मुंबई में हो रही है। और स्टार कास्ट कुछ नई होगी कि टोटली कुछ बाहर के होंगे आर्टिस्ट? अभी ये है कि इसके अंदर जो मेन स्टार्स है वो सिर्फ बच्चे हैं, और बाजू की जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं उनके नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ। ओके, म्यूजिक से आप कितना खुश हैं आज जो आपने रिलीज किया, और कितने गाने होंगे फिल्म में? एक्चुअली दुष्यंत सर जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनसे तो मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि वो जो कंपोज करते हैं, जो हमारी ट्यूनिंग बैठी है, लिरिक्स राइटर अमिताभ रंजन है और दुष्यंत सर है, ये हमारी टीम, काफ़ी दूर तक हम इसको लेकर जर्नी करेंगे, और इनके म्यूज़िक से मैं हमेशा बहुत ही सेटिस्फाइड रहता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट की बारीकी को समझते हैं और उसके ग्राउंड लेवल तक वर्क करते हैं, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा चाहता हूँ कि वो हमेशा ही एक इन हाउस प्रोडक्शन की तरह वो सपोर्ट करते हैं मेरे हर मूवी को। इससे पहले ये कहें, मैं इनके बारे में जो है वो पॉइंट रह गया था, बहुत बहुत ही गुणी कंपोज़र हैं और बहुत मज़ा आया मुझे कंपोजिशन इनकी गा के, क्योंकि आजकल ऐसे जो यूथ सेंट्रिक बोल लो या मैसेज सेंट्रिक जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत कम बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना जितनी मेहनत इन्होंने की है, अमिताभ भाई ने की है, विक्रांत जी ने की है इस प्रोजेक्ट को माउंट करने में, उतनी अच्छी तरीके से ऑडियंस भी इसको सुने और रिस्पॉन्स दे, और जो हमारी प्रमोशन जो है वो सब को और बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस सॉन्ग को जब वो बाहर निकले, क्योंकि दबने नहीं चाहिए और अनदेखे नहीं रहने चाहिए ऐसे सॉन्ग्स। हाँ जी, थैंक यू अमन वेरी मच, और आपने भी बहुत अच्छा गाया है इसमें, तो अमन ने कमाल कर दिया है। अब विक्रांत जी ने जो मुझे सिचुएशन दी थी तो सिचुएशन ही बहुत अच्छी थी, और बेसिकली ये बच्चों के ऊपर फिल्म है, ऐसे होगा कैसे होगा, लेकिन फिर अमिताभ का भी कमाल है, अमिताभ रंजन जो राइटर हैं उन्होंने, अमन सर का चुनाव? हाँ, उसके बाद उन्होंने जो एक के बाद एक लाइंस मुझे भेजनी चालू करी, और फिर
हमने कहा यार ये तो कमाल है, मतलब होता जा रहा है, सिलसिला बढ़ गया आगे। तो कुछ कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे लगे और जैसे जैसे इनका फीडबैक मिलता रहा विक्रांत सर का, और मैं कंपोज करता रहा गाने को, और गाना फिर देखिए क्या से क्या बन गया, सबको पसंद आया। और अमन भाई ने तो बिल्कुल कमाल करके एकदम चार चांद लगा दिए गाने में, मतलब मैं तो सच्ची में मतलब एक एक म्यूज़िक डायरेक्टर को एक अच्छा सिंगर मिल जाए, इससे बड़ी मतलब उसकी कंपोजिशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम क्या है कि हम लोग सिंगर्स, वी आर नॉट सिंगर्स, तो हम क्या करते हैं कि स्कैनिंग बना लेते हैं गाना की कि ऐसा ऐसा होगा, कुछ उड़ता उड़ता इस तरह का। लेकिन जब सिंगर्स आके उसको अपनी तरह से गाते हैं और जो वेरिएट्स करते हैं, तो म्यूज़िक डायरेक्टर को खुद से मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे गाने के साथ, कमाल हो गया। थैंक यू वेरी मच अमन भाई, माय प्लेजर। और ये गाना मतलब ये कंपोजिशन में फील फैक्टर बहुत है, क्योंकि जो इमोशंस की बात हो रही है, जो लिरिक्स कहना चाहते हैं, अगर उसको कंपोजर ने एक धुन में सजाया है, तो उस धुन को और उस उन लिरिक्स को, उन शब्दों को एहसास के द्वारा जो है बयां करना, वो सबसे बड़ा दायित्व होता है सिंगर का, वही फ़र्ज़ होता है। और वो फ़र्ज़ अगर सिंगर निभा ले तो गाना अच्छा लगता है सबको सुनने में। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को जब गाना निकले और तो सब लोग उसको सुने और सुन के जो है वो शेयर करें। बच्चे जो है डिप्रेशन में होते हैं, बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जब बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं तो उसके जो है ज़िम्मेदार या तो पेरेंट्स होते हैं या सोसाइटी होती है या उनके टीचर्स होते हैं या जो उनके आसपास की जो एक्टिविटीज़ होती है। बट इनके बावजूद भी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे कि बच्चे खुद ही जो है सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन करें, ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि विक्रम सर को थैंक यू कहूँगा, क्योंकि समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में ऐसी फिल्म मैंने कभी देखी नहीं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी तो जो स्टोरी जिन्होंने लिखी है उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है। और ये चीज़ ऐसी है कि मेरे ख्याल से आज तक 16 साल मतलब 10 से 16 साल के बच्चे जो सुसाइड करते हैं, इनका सुसाइड कैसा रोका जाए, मेरे ख्याल से ये इंडिया में पहली फिल्म होगी। तो विक्रम सर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।